दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, इस फॉर्म के ऑनलाइन के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड, खेत की नकल और बैंक पासबुक का होना अनिवार्य है। दोस्तों, योजना का ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी या मोबाइल में गूगल क्रोम खोल लेना है और गूगल में इंटर करना है पीएम किसान सम्मान निधि। इतना इंटर करने के बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके ऑफिशियल पेज पे विजिट हो जाना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पेज पे विजिट हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा होम पेज शो होगा जहाँ पे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन, फॉर्म अपडेशन और उसके नीचे सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटस, सीएससी स्टेटस चेक करने का ऑप्शन शो होगा, जहाँ से आपको सबसे पहले न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर लेना है। आधार कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। आधार डिटेल इंटर हो जाने के बाद कंटिन्यू करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज शो होगा जहाँ पे आपको रूरल और अर्बन का ऑप्शन शो होगा। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं तो आपको रूरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अगर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अर्बन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। रूरल या अर्बन ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने किसान सम्मान निधि योजना पंजीकरण का कुछ ऐसा फॉर्म शो होगा। उसके बाद आप जैसा कि देख सकते हैं आपको यहाँ पे फॉर्म डिटेल इंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, और ब्लॉक इंटर करने के बाद आपको अपना विलेज सिलेक्ट कर लेना है। फार्मर नेम में आपको अपना नाम इंटर कर लेना है और उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन में अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एससी कैटेगरी पे चूज़ कर लेना है, या फिर आप ओबीसी, जनरल, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। कैटेगरी चूज़ हो जाने के बाद आपके सामने फॉर्मर टाइप का एक ऑप्शन शो होगा। फॉर्मर टाइप में आपको स्मॉल या अदर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अगर आपकी भूमि 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि है तो आपको स्मॉल वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, या फिर अगर आपकी भूमि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगले स्टेप में आपको अपने बैंक का विवरण देना है, जिसमें सबसे पहले आपको आईएफएससी कोड इंटर कर लेना है। आईएफएससी कोड इंटर हो जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आपके बैंक का नाम शो होने लगेगा। आईएफएससी कोड और बैंक का नाम इंटर हो जाने के बाद आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर कर लेना है। अकाउंट नंबर इंटर हो जाने के बाद आपको सबमिट फॉर आधार ऑथराइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, जिसके बाद आपकी डिटेल्स को आपके आधार कार्ड से मैच कराया जाएगा और डिटेल्स के मैच हो जाने के बाद आपका आधार ऑथराइजेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आधार ऑथराइजेशन कंप्लीट होने के बाद फॉर्मर अदर डिटेल्स में सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर इंटर हो जाने के बाद अगले ऑप्शन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर हो जाने के बाद फादर्स, मदर्स, हस्बैंड नेम वाले ऑप्शन में आपको अपने फादर्स का नेम इंटर कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने फॉर्म डिटेल्स को फिलअप कर लिया है और उसके बाद ऑनरशिप लैंड होल्डिंग का रिकॉर्ड हमें इंटर कर लेना है। लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड को इंटर करने के लिए आपके पास आपके खेत की नकल होना अनिवार्य है। उसके बाद नीचे ऐड वाले ऑप्शन पे आके ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करके आपको अपना खाता संख्या, खसरा संख्या और एरिया हेक्टेयर में इंटर कर लेना है। सारी डिटेल्स आपके खेत की नकल के हिसाब से फिलअप होंगे। लैंड होल्डिंग वाले ऑप्शन पे आते ही आपको सिंगल या ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपकी भूमि सिंगल भूमि है तो आपको सिंगल वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, या फिर आपके साथ साथ आपके लैंड में और भी कोई स्वामित्व रखता है
तो आपको ज्वाइंट वाले ऑप्शन पे चूज कर लेना है। फॉर्म में सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आई सर्टिफाइड दैट गिवन डिटेल्स आर करेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेना है। और फॉर्म को सेव करते ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट आपके अपने लेखपाल को फॉरवर्ड करना है, या फिर आप इसको अपने ग्राम प्रधान के द्वारा भी फॉरवर्ड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम डेली अपने चैनल पर डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।